तो जी पोहा बन के हो चुका है बिल्कुल रेडी, और भैया को आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा हुआ था, हेलो बोल दो उधर थोड़ा। हेलो। तो हम जाएंगे आज दोपहर में, पूरा आज ये गांव है ना, पूरा गांव हम दिखाएंगे और भाई को लेके जाएंगे साथ में। थोड़ा हो जाता है इजी, अगर ये ना मिले फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर इतना इजी नहीं रहता काम, फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गाड़ी में ये देखो ये है किचन बना ये हुआ, तो सब होम स्टे का किचन मैं है बनाया है सब। ये, आपने बनाया? क्या बात है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो ये लगी है यहाँ की लोकल सब्जी इसकुस, और ये क्या ये देखो सब भाई डाल क्या दिया बात मैंने। है। तो लंच टाइम हो चुका है, तो आज हम बना रहे हैं चटनी, और भाई लोगों ने बताया इसको क्या बोलते हैं भाई, चिम्बिंग। चिम्बिंग। हाँ और हाँ जी, तो ये मॉर्निंग हो चुकी है, क्या है कि हमारा वहाँ नीचे तो वहाँ पे चल रहा था वाईफाई, लेकिन वो मतलब वेदर ख़राब होने के कारण वो डिस्टर्ब हो चुका है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए बंद हुआ होगा ना, हाँ थोड़ा टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए वो बंद हो जाता है। तो मुझे तक ही सुबह उठ के थोड़ा नेट वगैरह चला लूँ, देख लूँ, चेक कर लूँ, है ना। तो जो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको बता दूँ, मैं ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहा हूँ, और अभी हूँ मैं दार्जिलिंग में। तो देखो जंगल के बीच में मैं स्टे किया हुआ था, और अभी हम मॉर्निंग वॉक भी हो रही है और साथ में इंटरनेट ढूंढने जा रहे हैं। कहाँ तक मिल जाएगा अपने को? यहाँ है पास। यहाँ पास में मिलेगा, हाँ तो देखते हैं वहाँ पास में मिल जाएगा तो थोड़ा चला लेंगे, नहीं तो फिर वाईफाई तो थोड़ी देर में आ ही जाएगा, आया आएगा। नहीं तो फिर जब थोड़ी देर में आ जाएगा तो फिर चलाएंगे। और ये देखो वेदर देखो आप, कितना अच्छा वेदर हो रखा है, ये पूरा जंगल है इधर, जंगली जानवर वगैरह ऐसा कुछ होते हैं होता है कुछ नहीं करता है। पर करता कुछ नहीं है हाँ भी, आज तक कोई ऐसा सीन नहीं हुआ भी किसी को दिक्कत पहुंचाया हो, आदमी को, अभी होता है यहाँ पर। किसी आदमी को चीता दिक्कत, होता है, ब्लैक पैंथर। किसी आदमी को दिक्कत नहीं हाँ पहुंचाया नहीं आज नहीं तक? नहीं आज तक सामने से जाता है वो लोग, अच्छा, चलता है कुछ नहीं बसों साइड से करता। चलता जाता, किसी हाँ को मुका जाता कुछ किसी नहीं को है। कुछ नहीं। देखो भाई ये चीज़ सही है, यहाँ पे खतरा कोई नहीं है, मतलब जंगली जानवर है भी तो वो दिक्कत नहीं करते, परेशान नहीं करते। तो अभी मैं बनाने लगा हूँ ब्रेकफास्ट मेरे लिए, तो वेदर काफ़ी अच्छा है भाई, बट क्या है कि बारिश थोड़ी थोड़ी अभी तक होए जा रही है, बारिश है अभी, तो देखते हैं बारिश अगर हट जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई कुकिंग है जो मुझे बारिश में ही करनी होगी। तो अभी कुछ बना के तो मैं खाने वाला हूँ, अभी मैं बनाने वाला हूँ पोहा, जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाएगा, और लोग भी एक्टिवा वगैरह में घूम रहे हैं, बस अगर बारिश ज़्यादा आ गई तो फिर मुझे कैमरा बंद करना होगा। तो क्विक सर्विस, वही बारिश नहीं हटती, ये बात सच है। तो अगर आप कोई प्लान करते हो ना वेस्ट बंगाल के लिए, तो प्लीज़ आप नवंबर में ही प्लान, अक्टूबर नवंबर में प्लान करें, सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, अक्टूबर नवंबर में आप प्लान करें, उससे पहले अगर आप प्लान करते हो तो थोड़ी मुश्किल का सामना आपको बारिश में करना होगा, क्योंकि वेदर इतना साफ नहीं रहता, बारिश होती रहती है। बट हाँ, अगर आप बारिश इंजॉय करना चाहते हो फिर आप प्लान कर सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है, बट बारिश में हाँ कार कैंपिंग हो जाती है, बट फूड वगैरह बनाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी बारिश आती रहेगी तो कोई इशू नहीं है, ये मेरे पास ऊपर ये शेड लगा हुआ है तो ठीक रहेगा, अगर ज़्यादा बारिश आती है तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या डालूं भाई, घी भी बिल्कुल जमा हुआ होगा मेरे को लगता है, इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म करना होगा इसको, फिर इसमें से आएगा घी बाहर, ये सारा ही ना हो जाए, बिल्कुल जम जाता है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है, बट क्या है कैंपिंग का मज़ा ना थोड़ी थोड़ी ठंड में आता है, ज़्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए, मतलब अंदर रजाई लेके आराम से बैठो, अभी ब्लॉग अभी फूड बनाऊंगा, फूड बना के और यहाँ आराम से अंदर बैठूंगा, और यहाँ पे क्या है मुझे वाईफाई मिल गया है ना, तो वाईफाई का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, नेटफ्लिक्स चलाएंगे आराम से बैठेंगे, मूवीज देखेंगे। तो अभी मैं बस पोहा बना लूँ, फिर लंच टाइम तक शायद हो सकता है कि वेदर बिल्कुल साफ़ हो जाए तो फिर कोई अच्छी सी प्लेस और देखते हैं कहीं पे जाके बैठने के लिए, तो फिर वहाँ पे जाके बैठूँगा मैं किसी और प्लेस पे, ब्रेकफास्ट में एक बार यही बना ले। तो भी भाई घी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, तो अब इससे आगे अगर मुझे कुछ बनाना है तो मुझे घी परचेज करना पड़ेगा, इतने में बात नहीं बनने वाली, जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है ना फिर भी कैंपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे आजा भाई, तो ये डाल दिए मैंने,
इसमें घी डाल दिया है। तो साइट का जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि ये साइट कौन सी है, ये है इसको 6th mile बोलते हैं, और जो चिमनी है उसके बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, जो चिमनी विलेज है जहाँ से उसके बिल्कुल पास में है। तो काफ़ी यहाँ पे मतलब पीसफुल है, अगर आपको होम स्टे वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, चार्जेस वही है 1000 से लेके 1500 तक, इससे ज़्यादा चार्जेस हमें नहीं देने पड़ेंगे यहाँ पे। और मैंने इसमें तो पोहा रखना था भाई, आधा कुछ मैं ना भूले जा रहा हूँ, कभी कुछ भूल रहा हूँ कभी कुछ भूल रहा हूँ। पोहे पोहा में पानी डाल के थोड़ा मैं रख दूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, जब तेज़ हवा चलती है ना तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पानी भी कम है। बस 5 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए ना तो अपना फूड बन के रेडी हो जाएगा। सबसे फास्ट बनता ही पोहा है भाई, पानी ज़्यादा डाल दिया इसमें से मुझे निकालना पड़ेगा थोड़ा पोहा पानी, या फिर पोहा और डाल दे, पानी नहीं निकालते, पोहा थोड़ा इसमें और ऐड कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं पोहा। क्या कहते हो भाई, कैसे है, नज़ारा आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसे लग रहे भाई, थोड़ा यार शेयर किया करो, मैं आपको यही बोलता हूँ भाई, ज़रूरी है थोड़ा, जो व्लॉग वगैरह आप देखते हो ना इनको शेयर करो, फिर ही बात बनने वाली है, नहीं तो काम रुक जाएगा अपना। अभी तो इंडिया ट्रिप है, उसके बाद और भी बहुत कुछ करना है, इंडिया ट्रिप पे रुकना तो नहीं है अपने, तो अपने चैनल को थोड़ा ग्रो करें, थोड़ा ज़रूरी है। इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतने अच्छे अच्छे व्यू दिखा रहा हूँ, फिर आप इसको शेयर क्यों नहीं करते, शेयर किया करो, अच्छे होते हैं सेहत के लिए वैसे भी शेयर करना। अरे इसमें हरी मिर्च कहाँ पे है, ये आ गई हरी मिर्च, इसको बीच में से कटिंग करेंगे, चेक करूं, काफ़ी तेज़ है, एक ही बहुत है, ज़्यादा नहीं डालनी इसमें, और थोड़ा सा जीरे का फ्लेवर भी इसमें दे देते हैं अपन, उसके बाद इसमें डाल देंगे अनियन। ये देखो भाई इसमें डाल दिया थोड़ा जीरा, और थोड़ा इसमें डालेंगे राई। पोहा बनाना सीख लो भाई, वैसे तो मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं ये पोहा कैसा बनता है, इसमें थोड़ी सी राई डाल दी है, और इसके बाद जाएंगे इसमें अनियन, और वेजिटेबल मेरे पास अभी है नहीं है, नहीं तो इसमें बीन्स वगैरह और बहुत कुछ डाल सकता है, पर और कोई भी सब्जी है मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ये लो जी इसमें डाल दिए हैं अपन ने अनियन, और एक चीज़ तो रह गई, इसमें मूंगफली भी डालनी है अभी, इसको भी फ्राई करना है। मूंगफली मुझे यहाँ से मिल गई थी, पीनट, ये कच्चे पीनट हैं, इनको थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा, और अनियन के साथ साथ ये भी फ्राई हो जाएंगे। बस ज़्यादा और अभी सब्जियाँ अपने पास है नहीं, तो इन्हीं से अपने को काम चलाना होगा। तो जी पोहा बन के हो चुका है बिल्कुल रेडी, और भैया को आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा हुआ था, हेलो बोल दो उधर थोड़ा, हेलो। तो हम जाएंगे आज दोपहर में, पूरा ये गांव है ना, पूरा गांव हम दिखाएंगे और भाई को लेके जाएंगे साथ में, और पूरा विलेज हम घूमेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कैसे कैसे रहते हैं और कैसे कैसे इनका मतलब, मेरे को बकरी वगैरह रखते हैं ना, बकरी वगैरह इधर रखते हैं, वो दिखाएंगे, और गांव में यहाँ पे क्या मतलब खाने पीने का, खेती वगैरह कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, आप बने रहना व्लॉग के साथ। अभी एक्चुअली बारिश आ रही है, तो बारिश आने के चक्कर में मैं मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा, एक्सप्लोर भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कैमरा अभी बारिश में ही रख रखा है मैंने, है ना, तो बारिश में ऐसे रखना सेफ भी नहीं है। तो अभी मैं खा लूँ पोहा वगैरह, तो फिर आपको मैं गाँव घुमाता हूँ अभी, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैंपिंग में क्या कुछ करना पड़ता है, मतलब हम एक पार्ट देख लेते हैं कई बार कैंपिंग का, दूसरा पार्ट नहीं देखते कि मेहनत कितनी लगती है। अभी ये देखो ये मेरे को यहाँ पे पानी मिल चुका है, इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूँ यार, है ना, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। एक मिनट रखो, होल्ड रखो, आप फ़ोन को होल्ड रखना आप।
तो यहाँ पे मुझे मिल गया पानी। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं इनको वॉश करने वाला हूँ भाई। अपने जो बर्तन पड़े हैं मेरे, ये सब मैं वॉश करके रखूँगा। और वेदर हो रखा है भाई काफ़ी ख़राब, वेदर साफ़ होने का नाम नहीं ले रहा, डोंट नो क्या चक्कर है भाई। तो अभी यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लूँगा। अगर ऐसी थोड़ा मिल जाए ना पानी टूटी वगैरह, तो थोड़ा हो जाता है इजी। अगर ये ना मिले फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर इतना इजी नहीं रहता काम, फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि गाड़ी में दूसरा बोतल से पानी डालना, फिर उसको ये साबुन लगा के छोड़ना। तो जी अभी हम जा रहे हैं गांव घूमने के लिए। और ये देखो ऐसे बकरियों को रखा गया है, इनको बाहर नहीं निकालते आप? क्यों, इधर ही बारिश है ना। बारिश में नहीं निकालते, वैसे निकालते? और ये इधर चारा डाल देते हो इनको? ठीक है ठीक है। और ये आपका बाइक है, मोटरसाइकिल? हाँ ये ठीक है। ये जो भाई उधर गोम्पा में काम करते हैं, उनका घर है ना? हाँ उसका है, ठीक है में काम ठीक करता है। है उसका घर है, उसका बेटी है, ठीक है घर में उसका बाप का घर है, ठीक है। इधर उनके फादर रहते? हाँ यहाँ 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 उधर, मैंने सोचा उसमें रहते। अच्छा ये वाला? हाँ वो फादर काम कर रहे हैं। हो रहे हाँ, ये मिले थे मुझे ना नीचे, वही है। चलते हैं भाई, आपको गांव दिखाता हूँ मैं पूरा। चिमनी 6 माइल, ये होम स्टे अभी बन रहा है, रेडी हो रहा है? रेडी रेडी है, रेडी हो गया सब कुछ, रेडी हो गया जी होम स्टे रेडी। अपना होम स्टे बन गया? ठीक है जी। क्या कुछ रह गया इसमें करने वाला अभी? अभी बेड बेड रहेगा, बेड रह गया। बेड वो जो जिससे बात हुई थी, वो आपके बेटे हैं जिनसे बात हुई थी, वो जो हिमाचल में है? हाँ हाँ है ना, जो हिमाचल ही है ना। हाँ अभी हिमाचल में है, वहाँ पे आर्मी में है जो। जी जी हाँ, उनसे बात हुआ, उन्होंने बताया था हम होम स्टे बन रहे थे। ठीक है ठीक है। तो देखो ये होम स्टे बहुत अच्छे वाला एक तैयार हो रहा है यहाँ पे, और ये लगे हुए हैं देखो बनाने के लिए। और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आएगा उधर का, जी सर सामने का व्यू अच्छा होगा ना। टंकी है, ये टंकी लगा हुआ है पानी के लिए, पत्थर लगा के ना, सुंदर बनाया ना। हाँ बहुत बढ़िया बनाया, देखो जो मतलब रास्ता बनाया हुआ है, चारों तरफ बना दिया ऐसे। चारों बनाना पड़ेगा, अभी बन रहा है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे नीचे गांव, नीचे गांव में कितने मतलब घर हैं यहाँ पे? घर तो है, होम स्टे भी है, घर भी है यहाँ भी। कितने कितने होंगे घर यहाँ पे? तीन चार घर है। तीन चार बस? और होम स्टे? होम स्टे दो है, दो तीन होम स्टे है। चलो ठीक है भाई ठीक है। उधर कल गया था, ठंड लग रहा है, मैंने जैकेट नहीं पहना। कल इतना ठंड नहीं था यहाँ पे, कल कम था, कल धूप भी आया था थोड़ा। आज तो पूरा ऐसे हो रहा है जैसे नवंबर दिसंबर का महीना होता है ना, उतना ठंड हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करना, वहाँ पे दूध भी पूछ के आएंगे? तो उधर पूछना पड़ेगा। नहीं उसके पास नहीं है, उससे पूछा मैंने, वो बोलता वो गोम्पा वाले थोड़ा सा दूध देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। वो इधर बोलते हैं होम स्टे वाले के पास गाय रखा हुआ है, उससे पूछेंगे। ये मूली का खेती हो रहा है? हाँ। ये वाला? हाँ। ये छोटा सा उन्होंने ऐसे बना रखा, ये क्यों बनाया? कोई मतलब इसको खराब कर देगा? कौन खराब करता है? जंगली जानवर आते हैं इधर? सुअर, सुअर। सुअर आ जाते जंगली? तो वो घर पे नुकसान नहीं करते जब जंगली सुअर आता है? ठीक है। ये आ गया हिल टॉप सनराइज पॉइंट, ये होम स्टे है। इधर भी है, दूर है। उधर भी होम स्टे है एक? इधर भी है। अच्छा इतनी दूर दूर जाके होम स्टे बना रखा है? देखो भाई किस कहाँ पे आके होम स्टे बना हुआ है ये? इधर रूम कीजिए, अब मेरा ही काका का है। हैं? मेरे काका का है। अच्छा आपके काका का है, उतार के जाऊँ? हाँ। अच्छा बना हुआ है ना पूरा होम स्टे, देखो भाई कितनी अच्छी लोकेशन है। ये देखो ये है किचन बना हुआ, होम स्टे का किचन है सब। ये आपने बनाया? क्या बात है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है सब कुछ है। ये तो मेरे जैसे बंदे ने यहाँ पे रहना हो, बस हमें होम स्टे दे दो और कोई बंदा ना आए, कोई दिक्कत नहीं, हम खुद बनाएंगे खाएंगे है ना। ऐसे रहना हो लेके बंदा एक रूम रह जाए, आएंगे आपके पास कभी यहाँ रहने के लिए, और आपसे डिस्काउंट ले लेंगे। ठीक है, आपको बोलेंगे मिलेगा आपको।
और ये है भाई इधर होट हाउस, यहाँ पे होता क्या है अंदर इसके? अच्छा छोटे वाला बीन्स। उधर ये भाई टोकरी बना रहे हैं, क्या बात है। ये इसमें ये सुबह सुबह मैंने देखा लेके जा रहे होते, क्या लेके आते इसमें? चारा, घास लेके आते गाय के लिए। एक छोटी सी छोटी नहीं बनाते? जी बनाते। कहाँ है छोटी? है छोटी तो नहीं, खत्म हो गया। छोटी होता तो मैं लेके जाता आपसे, एक छोटे वाला होता था। ये बीन्स कहाँ है? ये वाला, ये बीन्स अलग प्रकार का है भाई, ये बड़े वाला है ना। अच्छा ये यहाँ पे बीन्स की खेती के लिए बना रखा है, इसको होट हाउस बोलते हैं। ये रहा बीन्स, इसको सेल करते फिर आप? ये अच्छा वाला, सबसे महंगा वाला ये। कितना महंगा होता है ये? घीची भी 200 रुपए के जी। 200 रुपए किलो? ये 200 रुपए किलो होता है। और ये लगा हुआ है, ये वाला ये कम है, सिंगताम बोलता है, सिंगताम इसको घीची भी बोलता है। ये वाला हाँ, ये अच्छा वाला। ये लूँ मैं कुछ? हाँ लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? लो भी, मेरे को पोहा पोहे में डालने के लिए बीन्स मिल गई हैं। जो मैंने सुबह बनाया था ना, जो सुबह मैं बना के खा रहा था, उसमें डलता है ये, उसमें बहुत अच्छा लगता है ये डल के। ये स्पेशल इसको लगाने के लिए आपने ये ऊपर लगाया हुआ है? ये मतलब इसको लगाने के लिए सारा छड़ लगाया हुआ है आपने? गर्मी में होता है ना। अच्छा तो फिर अभी कैसे हो? अच्छा अभी इसको तोड़ते कब है? थोड़ा है अभी, बड़ा होगा। ये तो इससे बड़ा हो जाता है, इससे भी कितना का बड़ा होगा? बड़ा बड़ा बड़ा। हमारे उधर तो इतना इतना बड़ा ही मिलता है बस, इतना इतना तोड़ के मार्केट में मिलता है, इतना बड़ा बड़ा। इतना बड़ा बड़ा ये इसका कौन सा? वो एक तोड़ो उसको, देखे कैसा होता है। उसका बीज निकलेगा? हाँ। बीज निकालता है या ऐसे सीधा खाता है उसको? सीधा खाता है, सीधा। तो ये भैया मुझे मिले थे नीचे, ये इनका मकान, और ये देखो भी कितने अच्छे से फूल लगा रखे हैं, क्या बात। बहुत अच्छा बना रखा है आपने, बहुत बढ़िया से बनाया होगा अपने मकान में। कितना क्लीनिंग, कितनी सफाई है ना। और एक चीज मैंने यहाँ पे देखी, आप लोग चप्पल वगैरह अंदर नहीं लेके जाते जी, बाहर रखते हो, बाहर अंदर पूरा सफाई रखते हो ना। ये देखो ये कितने बढ़िया फूल लगाए हुए हैं आपने, क्या बात है। अब ये किचन दिखाऊं? मतलब कच्ची मिट्टी का है ना जी, 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 कच्ची। वो क्या बात है, कितना बढ़िया बनाया हुआ आपने, बहुत अच्छा बनाया हुआ। इसको इसी में बनाते हो खाना वगैरह? जी सर, हम इसी में बनाते हैं। बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये लगी है यहाँ की लोकल सब्जी इसकुस, ये देखो भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से उसको ऊपर जाल बना के और लगाया हुआ है ना इसकुस को, बहुत बढ़िया लगाया हुआ है। तो इसको तोड़ेंगे कब? तोड़ के खाते हैं। देखो जी मैं गांव में घूम रहा हूँ और साथ में सब्जियां भी इकट्ठी कर रहा हूँ मेरे लिए, और साथ में ये भी बना के खाएंगे, बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक इसकुस, क्या बात है। एक दिन मैंने पहले भी बनाया था, तो आज फिर मिला हमें इसकुस, और ये भी मैं बना के खाएंगे इसको। तो और आगे दिखाता हूँ गांव आपको मैं। तो ये नीचे वाले का? अच्छा पेट में उसके लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। लेना है आपको क्या चीज? सिंपिंग लेना है अचार के लिए। अचार के लिए कैसे बनेगा? वो टमाटर और लाओ, कैसे कहाँ है दिखाओ मेरे को। पर दो, आप बैठो की पूरा हाथ में ले जाता है। अच्छा ये करेला है, करेला इधर का। कौन सा करेला है? ये करेला इस पे लगा नहीं है अभी, बरा ना अभी भाई चटनी बनाने के लिए और लेने जा रहे हैं सामान, ऊपर से लेके आएंगे। ये देखो अभी चलते हैं जी नीचे, है पहाड़ ये देखो भाई, पहाड़ के साथ साथ में ऐसे ये बना हुआ है पूरा। तो ये सब्जी और एक चटनी के लिए मैंने थोड़ा सा सामान, और इसको पीसना पड़ेगा थोड़ा, उसमें वेलने से कूट लूंगा इसको ना मैं, किसी चीज से कूट लेगा ग्लास में डाल के। टमाटर को आग में थोड़ा डालना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर से छिलका उतार दूंगा उसका, ठीक है, ठीक है भाई। नमक डालेगा, और ऐसा रास्ता है भाई देखो, अभी जा रहे हैं अंदर अंदर से भाई। इसका एक पीस खाया मैंने अभी, तो पूरा मुंह के अंदर फ्लेवर आ रहा है इसका, पूरा अच्छा फ्लेवर आ रहा है मुंह में, टेस्ट आ रहा है इसका पूरा, काफी
अच्छी और काफ़ी नई नई चीज़ें और काफ़ी नई वेजिटेबल यहाँ पे मुझे देखने को मिली हैं भाई। और बिल्कुल पहाड़ के ये जंगल के बीच बीच में से मैं जा रहा हूँ। ये देखो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है आज और वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वेदर बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। और ये है हमारे भाई का घर मकान। और चलते हैं आगे देखते हैं भाई। ये देखो और अंदर से देखते हैं क्या बात है। बहुत अच्छा बनाया हुआ आपने। देखो भाई कितने बढ़िया तरीके से है ना। ये देखो इधर क्या है। ये भी मकान है। आई आई ये देखो भाई पूरा मकान नीचे लकड़ लगाया हुआ आपने। देखो भाई पूजा करने का। ये पूजा करने का है। और ये हमारा बीटी जी ये बहुत ही हनी। ये देखो हनी लगाया हुआ है। क्या हनी मिलेगा। हनी मिले मिलता है थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा थोड़ा। हाँ कितने का मिलेगा। बेचने का तो नहीं है। हैं बेचने का नहीं है। अगर हनी चाहिए हो तो देखना। हनी हुआ है तो मौरी। हाँ वो अंदर से अंदर बाहर आता जाता है। ये देखो यार हनी की फार्मिंग हो रही है यहाँ पे। क्या बात है। बहुत अच्छा बना हुआ आपका मकान है। तो अभी चलते हैं कि यहाँ पे जो गाय रखा हुआ है। ये देखो कितना गाय है आपके पास। दो गाय हैं। ये अंदर ही रहता है। चारा वगैरह लाके डालते हैं आप। ये चारा रखा हुआ है लाके खाने के लिए गाय के। बहुत सही है बहुत बढ़िया। तो लंच टाइम हो चुका है तो आज हम बना रहे हैं चटनी। और भाई लोगों ने बताया इसको क्या बोलते हैं भाई। चिम्बिंग। चिम्बिंग। और चिम्बिंग के कुछ पीस डाले हैं इसमें और ग्रीन चिली डाल दिया। और ये टमाटर है इसको तवे पे नहीं गैस पे ऐसे ऐसे करके मैंने इसको गर्म किया। गर्म करके और इसके जो ऊपर के छिलके वो उतार दिए हैं। अब इसको कटिंग करके और इस ग्लास में डालूंगा और इसको अच्छे से कूट लेंगे। ये वाली चीज़ भी आपने बता दिया आगे से मैं रखूँगा साथ में। कूटने वाला ना एक छोटा सा वो चीज़ मैं अभी साथ में रखा करूँगा। तो इसकी चटनी बना रहा हूँ और वो साथ में बनाऊँगा मैं सिंपल रोटी। और दाल भी बना लेते हैं ना। दाल भी रख लेंगे। हाँ जी तो अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम दूध का बताने के लिए। भाई मुझे चाहिए था दूध। कई दिन हो गए दूध नहीं पिया। भैया बोल रहे हैं कि दूध का पहले बोलना पड़ेगा। पहले क्यों बोलना पड़ेगा। हाँ पहले बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा ये बताओ। जो मुझे वहाँ पे बताया था वही बात बताओ। हाँ वो तो पानी मिला देते हैं। वो बोले कि वो पानी मिक्स कर देते हैं इसलिए पहले उनको भी बताना होगा भी हमें ताज़ा चाहिए।